अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट फूड सेक्शन। मैं वलीद इस्लाम आप लोगों की खिदमत में एक और नई स्ट्रीट फूड वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज स्ट्रीट फूड की तलाश में मैं आ गया हूँ शाह फैसल कॉलोनी में, जो कि बिल्कुल शमा सेंटर के पास एक बहुत ही मशहूर शाह फैसल की चाट है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में पहले सुना हुआ हो। काफ़ी शोर है, मैं मेन रोड पे इस वक्त खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो आपको शॉप दिख रही है, ये शॉप नहीं बल्कि पूरा फूड कोर्ट बन गया है चांदनी फूड सेंटर के नाम से। लेकिन ये अपनी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो है इनकी चना चाट और गोल गप्पे। तो आज हम वही ट्राई करेंगे, अंदर जाएंगे और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक और ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं। तो जब चलिए चलते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, नई आने वाली स्ट्रीट फूड वीडियोज़ के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। तो वीडियो का मुकम्मल आगाज़ करते हैं, फिर लेट्स गो। सो वी हैव अराइव एट आवर डेस्टिनेशन, बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे हमने बैठ के चाट खानी है। हमने सारी सेटिंग अपनी कर ली है और टाइम हो गया मगरिब का, शाम का बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम चाट इन्जॉय आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह आके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और भाई से बुला के उनसे ऑर्डर उनको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपके पास जो चना चाट है और गोल गप्पे हैं वो एक एक प्लेट ले आएँ और थोड़े स्पाइसी रखवाइएगा। और क्या प्राइसिंग है आप बताएँगे? 90 रुपीज़ चना चाट और 90 रुपीज़ ही गोल गप्पे के। दोनों चीज़ें स्पाइसी रखवाइएगा और मसाला अच्छे से दलवा के ले आएँ आप। ठीक है, ठीक है, बस 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में भाई, 2 मिनट में हमारा ऑर्डर ला रहे हैं। जब तक आप लोग देख लें कि बनेगी किस तरीके से चाट और उसके बाद इंशाल्लाह अपना रिव्यू करेंगे आप। सो आई एम बैक विद द रिव्यू सेक्शन और हम अपने रिव्यू सेक्शन की तरफ जैसे ही आए हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी 2 चीज़ें हमने मंगाई हैं जिसमें चना चाट और गोल गप्पे हैं और इन बहुत ही इकोनॉमिकल है। दोनों चीज़ों की प्राइसिंग जो है वो 90 रुपीज़ है। आप लोग आगे ट्राई कर सकते हैं और मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ, बल्कि मैंने आपको दिखाया है भी और भी क्लिप्स में आप देख लेंगे कि बहुत अच्छी लोकेशन है। इन्होंने बहुत बड़ा एक सेटअप अपना लिया हुआ है, ग्राउंड सा है और उसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सेटिंग की हुई। आप लोग फैमिली के साथ भी बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। इनके पास बारबेक्यू भी है, इनके पास चाट हैं, गोलगप्पे हैं और जिंगर वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, वो तमाम चीज़ें भी हैं। लेकिन हम यहाँ इनकी खुसूसन सिर्फ और सिर्फ चाट खाने के लिए आए हैं, जो कि बहुत मशहूर है और सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट चाट से ही लिया था। तो आज हम भी इनका सबसे पहले स्टार्ट चाट से लेंगे। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये है इनकी चाट। बिस्मिल्लाह करेंगे, काफ़ी गर्म है क्योंकि इन्होंने जो चने बनाए बन रहे थे इनके, वो काफ़ी गर्म गर्म पानी में बन रहे थे। सो मैं अपना फ़र्स्ट बाइट चाट का लूँगा। बिस्मिल्लाह करके मैं एक और स्पून ले लूँ, अब आदत सी हो गई है 2 चम्मच से खाने की। बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं रज़ाक को कहूँगा कि आप वो बहुत थोड़ा क्लोज़ आके दिखाएँ कि इनकी कितनी थिक और क्रीमी सी देखें चाट है। ये देख रहे हैं आप, ये इनका
मेरे ख्याल से चटनी है, हरी चटनी और दही, प्याज वगैरह, टमाटर, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हैं। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अपनी साइड कर लूँगा मैं, और मिक्स करने के बाद बिस्मिल्लाह करके ट्राई करते हैं, बाइट बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रही फ़र्स्ट बाइट ऑफ शाह फैसल मोस्ट फेमस चना चाट चांदनी चखारा। काफ़ी लोगों की रिकमेंडेशन के बाद मैं आया हूँ, अभी प्लेट करीब कर लूँ ताकि अगर कुछ गिरे तो वो प्लेट में ही गिरे। बिस्मिल्लाह, जो स्पाइसेस हैं इसमें वो बहुत अच्छे हैं, और जो चटनियाँ हैं इनकी वो भी काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं है। वरना अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि चटनी कुछ ज़्यादा तेज़ होती है और फिर जो मसालों का फ्लेवर होता है वो दब जाता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि चटनी तेज़ होगी तो खट्टापन ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें खट्टापन बिल्कुल नहीं है और अच्छी चाट है। काफ़ी अच्छी तरीके से चने वगैरह, आलू वगैरह भी गले हुए हैं, बहुत ही एक नया टेस्ट है। मतलब 90 रुपीज़ में इतनी बड़ी चना चाट की प्लेट मेरे ख्याल से कराची जैसे इतने बड़े शहर में बहुत इकोनॉमिकल है। खैर बिस्मिल्लाह करते हैं, एक और बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे मैंने आपको पहले बताया इनकी चटनियाँ बहुत अच्छी हैं, और मेरी नज़र में किसी भी चाट की जो बहुत स्पेशलिटी होती है वो उसकी चटनियाँ होती हैं, और उसके बाद उसके मसाले। अगर चटनियों का टेस्ट मसालों पे हावी हो गया तो चाट का कोई जायका नहीं रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। चटनियाँ खट्टी नहीं है ज़्यादा ओवर, क्योंकि एक खट्टी चटनी है, एक मीठी चटनी है, और एक रायता टाइप इनकी चटनी है। तीन चटनियाँ हैं, काफ़ी अच्छी हैं, इकोनॉमिकल चाट है, मज़ेदार है। रेटिंग अगर मैं दूँ तो 10 out of 10 फॉर प्राइसिंग, और अगर मैं फॉर टेस्ट दूँ तो 10 out of 9 तो मैं दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, एक और बाइट लेते हैं। ये मेरा लास्ट बाइट है चना चाट के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं फिर इनके गोलगप्पे ट्राई करूँगा। बेहतरीन, बहुत अच्छी लोकेशन है, मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अपनी फैमिली के साथ एक बार ज़रूर आएँ, बैठ के खाएँ। शमा शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल पास है, मेन शाह फैसल कॉलोनी में, चांदनी चटखारा के नाम से। अच्छा, इनकी माशाल्लाह से 3 से 4 शॉप्स और ब्रांचेज़ हैं, लेकिन मैं इनकी मेन ब्रांच में आया हूँ, जो एक स्पेस में, ओपन स्पेस में बैठ के खाने की जगह है। सो थम्स अप फॉर द चाट, नाउ इट्स टाइम फॉर सम गोलगप्पा। ये इनके गोलगप्पे की प्लेट है, इसकी भी प्राइसिंग 90 रुपीज़ है, और इसमें इन्होंने आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 90 रुपीज़ में 8 गोलगप्पे। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, ये काफ़ी टाइम से पड़ोने की वजह से थोड़े सॉफ्ट हो गए, लेकिन ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आउट क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त। जिस तरीके से किसी भी चाट की मेन इंग्रेडिएंट्स चटनी और मसाले होते हैं, उसी तरह गोलगप्पों का मेन इंग्रेडिएंट उसका पानी होता है। अगर पानी अच्छा नहीं है तो गोलगप्पे में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इस गोलगप्पे का पानी अच्छा है, ना ज़्यादा खट्टा है ना ज़्यादा मीठा है। कुछ मसाले, इमली का पानी मिला के इसको बनाया गया है, और आपको मैंने गोलगप्पे बनते हुए भी दिखाए थे, इसमें सेव हैं, चने हैं, और कुछ इनकी चटनियाँ हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई सेकेंड बाइट, दूसरा निवाले की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन पानी है, मैं इसका पानी का भी एक चम्मच आपको लेकर दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टा नहीं है, बहुत माइल्ड टेस्ट, मज़ेदार टेस्ट है। तो जैसे जैसे रात हो रही है, रश भी बढ़ता जा रहा है, अब मैं अपना फूड इंजॉय करने के साथ साथ वीडियो का एंड करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये भी एक ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड है, मैं ज़्यादा कोई फैंसी रेस्टोरेंट और फैंसी होटल्स की तरफ नहीं जाता, मेन रोड साइड स्ट्रीट फूड जो होते हैं उनको ट्राई करता हूँ। सो इसी तरह यहाँ मैं आया, बिस्मिल्लाह करके ट्राई करा, आप लोगों के साथ शेयर करा, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में नई आने वाली वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, आपकी पसंद की हो तो ज़रूर बताएँ। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।